नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीना गौरव। पठानकोट आतंकी हमले के आज 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में 6 आतंकी ढेर हुए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज पठानकोट पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। पर्रिकर ने कहा कि 6 आतंकियों को मारा गया है। पर्रिकर ने इस दौरान सुरक्षा तैयारियों में कमियों को भी माना। मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पठानकोट एयरबेस में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से तलाशी अभियान अभी जारी है, जो कि बुधवार तक खत्म हो जाएगा। कोमिंग ऑपरेशन मुझे लगता है आज कल तक कुछ हो सकता है खत्म हो, लेकिन इट्स टोटली कॉल ऑफ द एनएसजी कमांडर हु इज डायरेक्टिंग द ऑपरेशन। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरबेस में एक इमारत को छोड़कर कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही बताया कि मामले की जांच एनआईए कर रही है। नॉट ओनली स्ट्रेटेजिक एसेट बट बाकी बिल्डिंग्स भी ऐसी के ऐसी है। एक बिल्डिंग जिसमें छुपे थे 2, उनको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी फायर पावर की यूज की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आतंकी 40 से 50 किलो ग्रेनेड लेकर पंजाब में दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अभियान केवल 36 से 38 घंटे चला है, बाकी वक्त तलाशी अभियान ही चला है। मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम, और सम मैगजीन्स उधर तो जो रिकवर किए वो कम से कम 3-4 डजन है। सेना ने आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, 6 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया, एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और अभियान कामयाब रहा। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। पठानकोट के एयरबेस में मीडिया से मुखातिब होते हुए पंजाब सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जब इस हमले के दौरान पंजाब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पंजाब सरकार की भूमिका पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कई घंटों तक चले ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरबेस में 3000 परिवार रहते हैं। साथ ही हमले के वक्त विदेशी ट्रेनीज भी मौजूद थे, जिन्हें बचाने के चलते एहतियात बरती गई। कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, कितने मतलब वहाँ फॉरेनर्स थे, फॉरेन ट्रेनीज थे, ट्रेनीज अबाउट 5-6 कंट्रीज, वहाँ लोग रहते थे, बाकी उनको निकालना, जो फायर पावर यूज कर रहे हैं वो फायर पावर उनको डैमेज ना करें, इसकी प्रिकॉशन देना काफी डिफिकल्ट टास्क था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली मदद के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि शहीदों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन कुछ 25 लाख और नौकरी देने का वायदा किया है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। तलाशी अभियान जारी है, बुधवार तक पूरा होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल जांबाज जवानों का आतंकियों के खिलाफ अभियान कामयाब रहा, लेकिन जो खोया वो अनमोल था। देश को 7 बहादुर बेटों की कमी हमेशा खलती रहेगी। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। और यहाँ आपको ये बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को पठानकोट आतंकी हमले के सबूत दिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने इस सिलसिले में पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जांजुआ से बात कर आतंकियों पर जल्द एक्शन लेने को कहा है। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकियों के पास से बरामद सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनमें पठानकोट से पाकिस्तान किए गए फोन कॉल्स और आतंकियों के पास से मिले फोन नंबर शामिल हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पाकिस्तान के एक पॉपुलर ब्रांड एपकॉट के जूते भी पहने हुए थे। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान। आतंकी हमले पर एनआईए ने भी 3 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने श्रीलंका से पीएम मोदी को फोन कर 15 मिनट बातचीत की। साथ ही नवाज ने पठानकोट के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहली है जो टैक्सी ड्राइवर इनोवा का जो था उसका मर्डर के विषय में है,
दूसरी एफ आई आर एस पी साहब के जो सलविंदर सिंह है उनकी किडनेपिंग के बारे में, और तीसरी जो पठानकोट में एयरबेस पे अटैक हुआ उसके विषय में। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले एनएसए अजीत डोवल ने पाकिस्तान के एनएसए नासिर जांजुआ से बात कर सबूत शेयर किए और कार्रवाई की मांग की थी। देश में हुए आतंकी हमले के कई सबूत पहले भी पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा है। आतंक का आंखों देखा हाल पंजाब पुलिस में एसपी सलविंदर सिंह, उनके दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन के जरिए आज दुनिया देख रही है। यही नहीं, पठानकोट में मारे आतंकियों के पास से मिले सबूत, इंटरसेप्ट की गई कॉल्स और दूसरी परिस्थिति जन्य सबूत का सिर्फ एक ही इशारा है, वो है कि भारत के सीने पर ये जख्म भी पाकिस्तान से मिले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पठानकोट के सबूत इतने पुख्ता हैं कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिला रही पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार इनकार नहीं कर सकती। सबूत नंबर एक, पठानकोट में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का पहला सबूत है आतंकियों की तरफ से पाकिस्तान में की गई कई फोन कॉल्स। रात 12:35 से लेकर आधी रात 1:40 के बीच चार फोन कॉल्स की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये चार फोन कॉल्स ट्रेस की थी। इनमें से एक आतंकी ने जैश ए मोहम्मद के गढ़ यानी पाकिस्तान के बहावलपुर में अपनी माँ से फोन पर यह कहा था कि वो फिदाइन है, जिसके बाद उसकी माँ ने उससे खाना खा लेने की ताकीद की थी। आतंकियों ने एसपी सलविंदर सिंह को अगवा करने के बाद उन्हीं के फोन से पाकिस्तान बात की थी। मेरा भी टेलीफोन छीन लिया था और उनका भी टेलीफोन छीन लिया था। उर्दू भी, पंजाबी थी, हिंदी भी थी। क्या कन्वर्सेशन कर रहे थे? कोडेड लैंग्वेज यूज कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बोले, बस हमसे कहा भी अगर बात आपने जब कुछ बोला किसी को जहाँ कोई ऐसे आपको गोली लगा देंगे, और आप वो उर्दू में भाषा कर रहे थे बाहर। सबूत नंबर दो, पठानकोट में पाकिस्तानी करतूत का दूसरा बड़ा सबूत है पाकिस्तान के वो फोन नंबर जो आतंकियों के पास मिले हैं। पठानकोट में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत तो हैं। गुरदासपुर के एसपी, उनके दोस्त राजेश वर्मा, उनका कुक मदन पठानकोट के इस हमले के सबसे बड़े गवाह भी हैं। तीनों अलग अलग एफआईआर हैं। ये पहली है जो टैक्सी ड्राइवर इनोवा का जो था उसका मर्डर के विषय में है, दूसरी एफआईआर है एसपी साहब के जो सलविंदर सिंह है उनकी किडनैपिंग के बारे में, और तीसरी जो पठानकोट में एयरबेस पे अटैक हुआ उसके विषय में। नहीं, अब समय आने पे हम उनको लेटर रोगेटरी के थ्रू पाकिस्तान से जो एविडेंस मंगाना वो मंगा देंगे। पठानकोट में हमले का हर सुराग पाकिस्तान की ओर इशारा करता है। ऑपरेशन होने के बाद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो, किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। और सबूत नंबर तीन, पठानकोट हमले का तीसरा बड़ा सबूत है पाकिस्तानी जूता। हमले में शामिल पांच आतंकवादियों में से एक ने एपकोट ब्रांड का जूता पहना था। एपकोट ब्रांड के जूते पाकिस्तान में बनते हैं। बॉर्डर के पास वाले पाकिस्तानी इलाके में एपकोट काफी पॉपुलर ब्रांड है और वहां ये आसानी से हर जगह बिकता है। एपकोट कंपनी को पहले ईस्ट पाकिस्तान क्रोम टैनरी के नाम से जाना जाता था। एपकोट कंपनी लाहौर के गुलमर्ग में बने इंडस्ट्रियल एरिया में जूते बनाती है। पठानकोट एयरबेस में घुसे आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका चौथा बड़ा सबूत है वो पर्चा जो एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी से मिला है। सबूत नंबर चार, इस पर्चे में लिखा है जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद। तंगधार से लेकर सांबा, कठवा, राजबाग और दिल्ली तक अफजल गुरु शहीद के जानिसार तुमको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इस पर्चे से यह संकेत मिलता है कि आतंकी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से पंजाब तक आए हुए हो सकते हैं। सबूत नंबर पांच, पाकिस्तान के खिलाफ पांचवां बड़ा सबूत है आतंकवादियों के पास से मिले पाकिस्तानी हथियार। आतंकवादियों के पास से AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर मिले हैं। टेररिस्ट के पास 52 mm का मोर्टार भी मिला है। उन्होंने सिर्फ मेरे से एयरपोर्ट अमृतसर के बारे में पूछा शॉर्ट में, और ज्यादा नहीं पूछा। मेरे पर्स से उन्होंने 500 रुपए लिया और मेरे को बोला तेरे एहसानमंद रहेंगे, तेरा 2000 रुपए हम ले रहे हैं, बाकी तेरा पर्स ये गाड़ी पे
मतलब डैशबोर्ड पे हम रख रहे हैं। वो बोल के गए दोनों को पीछे वाले को भी इसको जन्नत पहुंचा गया। गन्स कितनी थी, क्या सामान क्या? उनको जेडे साडे को आम झोले सरकारी होंदे ओही झोले उनां कोल ते गन्ना जी जेडे साडे गनमैना को होंदी ओही गन्ना उनां कोल। फिर आगे किधर लेके गए थे? अगे जी पता नहीं जंगल जे छोड़ दित्ता जाके ओही बट मारे थे। सबूत नंबर 6, पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ छठा बड़ा सबूत है आतंकवादियों के पास से मिले आईईडी, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसमें पाकिस्तानी बैटरी लगी हुई थी। लेकिन आपने तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही नहीं शो करी, आपने आराम से आपको उन्होंने आके बांध लिया, आपकी गाड़ी में बैठे, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा, ऐसा क्यों है कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए? 5 आदमी थे, मेरे अकेले से रेजिस्टेंस से क्या करता, सभी के साथ वेपन थे उनके पास। जब मुझे उधर से आया तभी मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। 3 बजे फोन आया ड्राइवर महाराजा, ड्राइवर साहब का, उन्होंने बोला भी साहब कहाँ है, मैं साहब तो मथरे गए तक आए नहीं। तो फिर कंट्रोल रूम से फोन आया मुझे पी साहब आपके ना गेटा पे कर लिया। पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ ये सबूत पाकिस्तान को बता भी दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोवल ने पाक एनएसए नासिर जांजुआ से बात की है और उन्हें पठानकोट हमले के सबूतों के बारे में बताया है। सूत्रों का दावा है कि पाक एनएसए जांजुआ ने भी सबूतों से इनकार नहीं किया है। पठानकोट से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के पीछे आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बताया ये गया है कि आतंकियों ने पाकिस्तान में जैश के सरगना से फोन पर बातचीत भी की, लेकिन आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले जैश मोहम्मद नाम के संगठन का आका कौन है और अब तक ये संगठन कितने बेकसूर लोगों की मौत की वजह बन चुका है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। क्या है जैश मोहम्मद, क्या है जैश मोहम्मद के मंसूबे? जैश मोहम्मद पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठन है। जैश के आतंकवादी जम्मू कश्मीर समेत भारत के कई सूबों में हुए आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं, जैश मोहम्मद के आतंकी अमेरिका के खिलाफ चलाई जा रही गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। जैश मोहम्मद की स्थापना मसूद अजहर ने मार्च 2000 में की थी। जनवरी 2002 में जब इसे पाकिस्तान की सरकार ने बैन कर दिया, तब जैश मोहम्मद ने अपना नाम बदलकर खुद्दामुल इस्लाम कर लिया था। खास बात यह है कि सबसे पहले फिदायिन हमलों की शुरुआत जैश मोहम्मद ने ही की थी। 13 दिसंबर 2001 को जैश मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने भारत की संसद पर भी हमला किया था। इस हमले में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और संसद के 1 कर्मचारी की भी मौत हुई थी। हमले के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों समेत करीब 200 लोग संसद कैंपस के अंदर मौजूद थे। फिलहाल पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर है। जैश मोहम्मद फिर से भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मसूद अजहर, ये नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इस नाम से अनजान भी हैं। पाकिस्तान में आतंकी फौज खड़ी करने वाला मसूद अजहर जैश मोहम्मद का सरगना है और माना जा रहा है कि पठानकोट में दहशत मचाने की साजिश भी उसी ने रची। मसूद अजहर कौन है? मसूद अजहर क्या है उसकी हिस्ट्री? मसूद अजहर जैश का वही आतंकी है जिसे 17 साल पहले 1999 में कांधार हाईजैक मामले में भारत ने रिहा किया था। 24 दिसंबर 1999 को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 यात्रियों के साथ इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया था। उस वक्त हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने भारत सरकार के सामने 178 यात्रियों की जान के बदले 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया था। 1999 में वाजपेयी सरकार ने यात्रियों की जान बचाने के लिए मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया था। जिन 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया गया था उन्हीं में से एक है मसूद अजहर। अब मसूद अजहर जैश मोहम्मद का चीफ है और जैश की आतंकी साजिशों का संचालन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पठानकोट का एयरबेस अब सुरक्षित है, लेकिन आखिर क्यों आतंकियों ने इस एयरबेस को निशाना बनाया और क्या इतिहास रहा इस एयरबेस का, आइए वो भी जान लेते हैं। पाकिस्तान की सरहद से महज 30 किलोमीटर दूर 24 किलोमीटर के दायरे में फैला एयरफोर्स का पठानकोट एयरबेस हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की सीमा से सटे होने की वजह से एयरबेस न सिर्फ डिफेंसिव एयरफील्ड उपलब्ध करवाता है बल्कि जम्मू कश्मीर में सेना को तकनीकी मदद भी यहां से पहुंचाई जाती है। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के नजदीक एयरफोर्स का ये स्टेशन मिग 21 और अटैक हेलीकॉप्टर्स का बेस है। पठानकोट एयरबेस एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे होने की वजह से यहां थल सेना का बेस भी है। 1965 और 1971 की जंग में इस एयरबेस की बड़ी भूमिका रही है। 1971 की जंग में पाकिस्तान ने हवाई हमलों में इस एयरबेस के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया था। पिछले 14 साल से पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समांतर बने नेशनल हाईवे 44 को हाईवे ऑफ टेरर कहा जाता है और इसी दहशत के हाईवे के बेहद नजदीक है पठानकोट एयरबेस, जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पठानकोट आतंकी हमले को लेकर पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा मीडिया से मुखातिब हुए और आतंकी हमले के दौरान पंजाब पुलिस के उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। पठानकोट आतंकी हमले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री के बाद पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा सामने आए। सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया और इसके बाद डीजीपी ने हमले के दौरान पंजाब पुलिस की पूरी भूमिका के बारे में जानकारी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन द यू नो टाइमली अलर्ट वर एबल टू सेव द क्रिटिकल एसेट्स एंड द फैमिलीज। डीजीपी ने कहा कि एसपी के अगवा होने की खबर मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई और इस बारे में खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी दी गई। डीजीपी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पठानकोट में खुफिया तंत्र मजबूत करने की जरूरत है। सीसीटीवी नेटवर्क इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही कहा कि एनआईए और पंजाब पुलिस एक साथ मामले की जांच करेंगी। फॉर दैट यू नो एनआईए हैज टेकन ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑल्दो इट्स गोइंग टू बी अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एनआईए एंड पंजाब पुलिस विल इन्वेस्टिगेट दिस केस jointly and they will get into this what you are asking for। इस हमले को लेकर हर किसी के जहन में कई गंभीर सवाल है कि हमला कैसे हो गया, आखिर चूक कहां हुई। उम्मीद है कि जांच में इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजन गोसाई, जी मीडिया, पठानकोट।